निरालेगंज सिद्धि किए थे अन्ना हजारे गांव, उससे हम लोग को बहुत सा सीख आया और उसी के आधार से हम लोग आज इस ग्राम टुंडाहली में हम लोग इस लोज होल्डर का हम लोग काम शुरुआत किए हैं और हमारे अच्छे अच्छे से और हमारा और काम बढ़ते जाएगा। कितना दिन श्रमदान किया आप लोग? श्रमदान हम लोग करीब इसमें किया है, करीब 2.5 महीना हो गया था। अच्छा, 2.5 महीना श्रमदान हाँ किए। हाँ तो कभी अच्छा, बीच बीच में रुक गया था, जैसे शादी ब्याह होता था रुक जाता था, तो जैसे इसके कारण से थोड़ा सा दिक्कत होता था। कितने चेक डैम बनाए आप? चेक डैम बनाए हैं, दो सौ 234 बनाए हैं, अरे अभी बाकी है। अभी अभी बाकी भी है। कितने लोग लगे थे कभी रोजाना? यानी कि 20 था, कभी यानी 300 400 जैसा आदमी। उपलब्ध रहे उस हाँ अनुसार। अच्छा, वही आधार से हम लोग का काम ये होते गए। प्रेरणा कहाँ से मिली चेक डैम बनाने की, जल संरक्षण? प्रेरणा हम लोग को प्रेरणा मिला है, हम लोग को जो सिद्धार्थ त्रिपाठी जो है, हम लोग को आके वही मार्गदर्शन दिखाया दिखाया हम लोग की इसी इसी तरह से हम लोग को काम करना है। पानी के जल का बचाव करना है, हम लोग को मिट्टी का कटाव का हम लोग को कैसे रोकना है, इसके बारे में हम लोग को निर्देश दिया गया। और ये जो चेक डैम जो बना है, तो हम लोग जो रालेगंज सिद्धि ने जाकर हम लोग खुद अपने आँखों ने देखे हैं, देख के आए हैं, और उसके बाद हम लोग को बहुत बड़ा सीख हो गया है। क्या प्रभावित करता है आपको वहाँ टालीगढ़ सिद्धि में, क्या देखे आप? अब देखे हैं कि यही लूज बोल्डर का काम हुआ है, बहुत सा हुआ है हम लोग। जल रोकने हाँ, का जल रोकने का काम कैसे कैसे किया गया है। 70 फीट का कुआं है, 70 बाय 70 है, और 65 फीट गड्ढा भी है हम कुआं, और उसी से आने के पूरे जो है रालेगंज सिद्धि ने पानी उसको सबको मिलता है। कैसे गए वहाँ पर, टालीगढ़ सिद्धि कैसे जाना हुआ? हम लोग को जो रालेगंज सिद्धि किए, जो हम लोग को सिद्धार्थ त्रिपाठी जो है वही हम लोग को एक मीटिंग करवाया। मीटिंग करवाने का 2016 में हम लोग को उसी के माध्यम से हम लोग गए। 4 रोज हम लोग उसमें रुके हम लोग, और वही अन्ना हजारे का जी के हम लोग पूरे हम लोग महाराष्ट्र में हम लोग को घुमाया। ये आपके हाथ में है क्या, ये रखे हैं, क्या नाम है इसका? ये हमारा हाथ में जो है कि हमारे इसको कहा जाता है कि हमारा कादो फूल बोला जाता है इसको। जी, सुगंध किस तरह का इसका है? हाँ, इसका सुगंध बहुत सा अच्छा है। इसमें है कि शाम सुबह में इसको ज़्यादा सुगंध आता है, और इससे है कि देवी देवता इसमें शाम को इस सुगंध से वो घर में प्रसन्न हो जाते हैं। पसंद हो जाता है। जी, कादो फूल है ये? हाँ, नहीं इसका नाम है कादो फूल। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या हुआ आपका, मेरा नाम है मंसू महतो है, कहाँ के हैं रहने वाले, कुरमान ग्राम टुंडाहली का निवासी, जी थाना रांची? मांझी, जिला रांची, झारखंड का निवासी हूँ।